अमरकंटक चौक और आकाशवाणी चौक रास्ता बंद करके इनको क्या चल रहा है मतलब दिमाग में, आधे से ज़्यादा पब्लिक औरंगाबाद की पूरी इधर जाती है और इन्होंने ये जो दो रोड बंद करके रखे हुआ है इसके वजह से हमारे इधर के लोगों को बहुत तकलीफ है आने जाने के लिए। उसके बाद में स्कूल के बच्चे हैं, हेडगेवर हॉस्पिटल है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उधर के लोग हेडगेवर में आएंगे, बल्कि इधर के लोग अपेक्स हॉस्पिटल में जाने वाले हैं, उसके बाद में तुम्हारे नीचे पूरी लाइन हॉस्पिटल की पूरी है, इसके वजह से बहुत तकलीफ हो रही है हमारों के लिए। और दूसरी बात स्मशान भूमि, स्मशान भूमि हमारा मतलब पूरे इलाके के लिए एक चीज़ है कैलाश नगर स्मशान भूमि, उसके बाद में हमको इतनी तकलीफ हो रही उधर से जाने के लिए। इसके लिए हमारी एक ही विनंती है सरकार से, ये प्रशासन से, जवाहर कॉलेज नागरिक पूर्ति समिति की ओर से, क्या ये अमरप्रीत चौक और ये आकाशवाणी चौक जल्दी से जल्दी खुला करें। और हम सिर्फ अभी लोकशाही पद्धति से अभी इसका हम निर्देशन कर रहे हैं, कल को अगर इन्होंने हमारी मांगनी नहीं पूर्ण करी तो हम इसका आगे चल के रास्ता रोको करने वाले। जवाहर कॉलेज पूर्ति समिति तरफे आकाशवाणी चौक इधे आकाशवाणी चौक खुला करना एक शांतपूर्वक आंदोलन घेण आल। आम्हाला प्रशासनाने बुधवारची वेळ दिली आहे, आम्हाला हा चौक ओपन करायची गरज काय, इथे जवळपास 40 ते 50 हजार लोकसंख्या इथे ह्या चौक बंद असल्यामुळे त्याला प्रभाव पडतो। इथे मोठे मोठे हॉस्पिटल आहेत, माणिक हॉस्पिटल आहेत, हेडगेवर हॉस्पिटल आहे, एशियन हॉस्पिटल आहेत, सिग्मा हॉस्पिटल आहेत आणि बीड बायपासला जाण्यासाठी सुद्धा हा एक महत्त्वपूर्ण चौक आहे। तर हा चौक बंद करून प्रशासनाला नेमकं काय साधायचं ते तरी आम्हाला प्रशासनाने सांगावं। जो स्थानिक नागरिक आहे उनको जो वाहन है वो बाहर निकलने के लिए इतनी तकलीफ हो रही है और वहाँ पे जो दुकान है पूरा ठप हो चुके हैं, कंटिन्यू ट्रैफिक रहती है, कस्टमर दुकान में आना भी नहीं चाहते और इसका परिणाम सब वो छोटे रोड पे हो रहा है, सब ट्रैफिक उधर से डाइवर्ट हो रही है, जिसके वजह से ये आकाशवाणी के बैरिकेड जल्द से जल्द खुलने चाहिए। यही हमारी शिवशंकर कॉलोनी, बालाजी नगर और नाथ नगर के वासियों की तरफ से आपको विनंती करता हूँ और पुलिस प्रशासन को विनंती करता हूँ। और ये जो बैरिकेड्स अभी लगाए गए इसका अगर परिणाम अगर पुलिस प्रशासन को या चाहे मीडिया को देखने का है तो आप अभी हमारे साथ में आ सकते हैं। ये रोड से आप नीचे चलो, यहाँ से जितने भी फोर व्हीलर टर्न होने वाले होते हैं वो मोड़ा नाके के छोटे रोड से उधर से नीचे से जाते हैं। हमारे यहाँ के छोटे बच्चे जो स्थानिक नागरिक है उनको जो वाहन है वो बाहर निकलने के लिए इतनी तकलीफ हो रही है और वहाँ पे जो दुकान है पूरा ठप हो चुके हैं, कंटिन्यू ट्रैफिक रहती है, कस्टमर दुकान में आना भी नहीं चाहते और इसका परिणाम सब वो छोटे रोड पे हो रहा है, सब ट्रैफिक उधर से डाइवर्ट हो रही है, जिसके वजह से ये आकाशवाणी के बैरिकेड जल्द से जल्द खुलने चाहिए। यही हमारी शिवशंकर कॉलोनी, बालाजी नगर और नाथ नगर के वासियों की तरफ से आपको विनंती करता हूँ और पुलिस प्रशासन को विनंती करता हूँ। चौक और आकाशवाणी चौक रास्ता बंद करके इनको क्या चल रहा है मतलब दिमाग में, आधे से ज़्यादा पब्लिक औरंगाबाद की पूरी इधर जाती है और इन्होंने ये जो दो रोड बंद करके रखे हुआ है इसके वजह से हमारे इधर के लोगों को बहुत तकलीफ है आने जाने के लिए। उसके बाद में स्कूल के बच्चे हैं, हेडगेवर हॉस्पिटल है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उधर के लोग हेडगेवर में आएंगे, बल्कि इधर के लोग अपेक्स हॉस्पिटल में जाने वाले हैं, उसके बाद में तुम्हारे नीचे पूरी लाइन हॉस्पिटल की पूरी है, इसके वजह से बहुत तकलीफ हो रही है हमारों के लिए। और दूसरी बात स्मशान भूमि, स्मशान भूमि हमारा मतलब पूरे इलाके के लिए एक चीज़ है कैलाश नगर स्मशान भूमि, उसके बाद में हमको इतनी तकलीफ हो रही है उधर से जाने के लिए। इसके लिए हमारी एक ही विनंती है सरकार से, ये प्रशासन से, जवाहर कॉलेज नागरिक पूर्ति समिति की ओर से, क्या ये अमरप्रीत चौक और ये आकाशवाणी चौक जल्दी से जल्दी खुला करें। और हम सिर्फ अभी लोकशाही पद्धति से अभी इसका हम निर्देशन कर रहे हैं, कल को अगर इन्होंने हमारी मांगनी नहीं पूर्ण करी तो हम इसका आगे चल के रास्ता रोको करने वाले और रास्ता रोको नहीं भी कर हम और इसके बाद बड़ा आंदोलन करने के चक्कर में और आत्मदहन करने के भी चक्कर में हम इसके बाद में अगर ये रोड खुला नहीं करो तो। एक बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे आज मौजूद थे, एक आपको क्या लगता है आपके एरिया में कितनी आबादी होगी एक हिसाब से? मैं आकाशवाणी 3 से 4 लाख लोग हमारे तरफ होंगे सब मतलब पूरे इसमें उल्का नगरी है, आकाशवाणी उल्का नगरी, जवाहर कॉलोनी, बंदास नगर, मित्रा नगर, तुम्हारा गारखेड़ा, बौद्ध नगर है, उत्तम नगर है, ज्योति नगर है, उसके बाद में हनुमान नगर है, जवाहर कॉलोनी है, कम से कम इसमें 20-25 मतलब वार्ड आते हैं इसके अंदर।
तो ये पहली बार करेंगे, इसके पहले भी कुछ किसी को निवेदन दिए हैं आपने क्या रास्ता को? 8-10 महीने से चालू है, हमारे को लास्ट मोमेंट पे बोलते तुम तुम्हारा आंदोलन किसको दिए, निवेदन किसको दिया आपने? हमने कलेक्टर को दिए, कमिश्नर को दिए, विभागीय आयुक्त को दिए, नितिन गडकरी साहब को स्पेशल मेल करे हुआ है कि तुमने रास्ता क्यों बंद करके रखे हुए। तो क्या आश्वासन मिला था आपको? हम देखेंगे, सोचेंगे तुम्हारी, मतलब हम ट्रायल बेस पे, कल रात में ट्रायल बेस पे एक ही रोड चालू करें, ऐसा बताया हमारे को क्या भाई ये रोड की वजह से तुम्हारी पीछे की ट्रैफिक चालू हो रही है, उसके साथ ही अगर अमरप्रीत रोड खुला कर रहे हो ना तो इतना इनको कल ट्रैफिक का मशक्कत करना ही नहीं पड़ती थी। और सर इसका एक मनप आयुक्त को हमारी ये विनती है, जालना रोड को अच्छे अच्छे पर्यायी रोड है, एक तुम्हारा लक्ष्मण चावड़े से तुम्हारा MGM जाता है, उसके बाद में तुम्हारा यहाँ पे काड़ा ऑफिस से काड़ा कॉर्नर एक रोड डाले हुए उन्होंने, इन्होंने पर्यायी रोड अगर DP रोड पूरे खोले तो ये जालना रोड की आधी से ज़्यादा समस्या उसकी जवाहर कॉलनी कुमकी समिति तर्फे आकाशवाणी चौक इथे आकाशवाणी चौक खुला करण्यासाठी एक शांतपूर्वक आंदोलन घेण्यात आलं। आम्हाला प्रशासनाने बुधवारची वेळ दिली आहे, आम्हाला हा चौक ओपन करायची गरज काय? इथे जवळपास 40-50 हजार लोकसंख्या इथे ह्या चौक बंद असल्यामुळे त्याला प्रभाव पडतो। इथे मोठे मोठे हॉस्पिटल आहेत, माणिक हॉस्पिटल आहेत, हेडगेवर हॉस्पिटल आहे, एशियन हॉस्पिटल आहेत, सिग्मा हॉस्पिटल आहेत, आणि बीड बायपासला जाण्यासाठी सुद्धा हा एक महत्त्वपूर्ण चौक आहे। तर हा चौक बंद करून प्रशासनाला नेमकं काय साधायचं आहे ते तरी आम्हाला प्रशासनाने सांगावं की हा मूळ उद्देश काय त्यांचा, म्हणजे नागरिकांना त्रास देणं की नागरिकांची समस्या सॉल्व्ह करणं हे प्रशासनाचं काम आहे, नागरिकांना त्रास देणं हे प्रशासनाचं काम नाही आहे। तर त्यांनी तात्काळ हा चौक ओपन करावं आणि आमच्या 40-50 हजार लोकसंख्येला तात्काळ दिलासा द्यावा ही आमची मागणी। कधी तुमची मागणी पूर्ण नाही झाली तर लागला स्टेप काय राहील तुमचं? आम्ही आज प्रशासनाने आम्हाला विनंती केली की रस्ता रोको करू नका, त्याच्यामुळे आम्ही शांतपूर्वक आंदोलन केलं। जर आम्ही 8 दिवसात जर हा चौक ओपन नाही झाला, आम्हाला बुधवारी त्यांनी वेळ दिला आहे, जर नाही झाला तर आम्ही पुढच्या 8 दिवसात 100% रस्ता रोको करू आणि आम्ही कुणाचंही ऐकणार नाही, आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले तरी चालतील, आम्हाला त्याबद्दल काय वाटतं? याच्या आधी काही ऍक्सिडेंट रस्त्याचं काम चालू आहे तर काहीतरी पर्याय करता येईल ना त्याच्यामध्ये? तुम्ही चर्चा तर करा, तुम्ही म्हणतात की आम्ही ओपन करणारच नाही, हा थोडी पर्याय झाला। तुम्ही काहीतरी आम्हाला सांगा की रस्ता ओपन झाल्यावर आम्ही काहीतरी करू, काहीतरी ठोस हे तर करा, निर्णय तरी घ्या त्याच्यावर। तुम्ही काल इथं ओपन केला, अंबरप्रीत चौक बंद होता, ते पूर्ण लोड आकाशवाणी ट्रॅफिकवरती आला, पण त्याचा तुम्ही अर्थ काय कराल की आकाशवाणी चौकामुळे ट्रॅफिक जाम होती? हा त्याचा अर्थ होत नाही ना। याच्या आधी काही इकडे घटना वगैरे? खूप घटना घडली, माझ्या घरात स्वतः माझ्या काकूचं ऍक्सिडेंट झालं, आमचे मित्र आहेत बाळासाहेब दाभाडे, त्यांची आई एक्सपायर झाली तिथे रोड क्रॉस करताना, 2-3 जणांचा मृत्यू झाला। तुम्ही संध्याकाळी जर आलात ते बघा हे लहान मुलं, हे तुम्ही कव्हर करा, हे कसं कव्हर कसं करणार क्रॉस? रेड सिग्नल झालं की आम्ही रस्ता बंद करतो, काही करत नाही। आज उगा आम्ही निवेदन दिले म्हणून 4 पोलीसवाले आहेत, नाही तर पोलीसवाले बाजूला बसून तमाशा बघतात, काही करत नाही। हा त्रास आम्हाला सामान्य नागरिकांना येतो। नाव सांगा तुमचं? माझं अनिल विदाते। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।